हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी तैयारी आप लोगों की तैयारियां। तो डेली हम करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं लास्ट एक साल का। आज का ये पार्ट टू है जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट एक साल के करंट अफेयर की रिवीजन की सीरीज का ही हिस्सा है। तो एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और फिर करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर एक से। लास्ट में जो भी आपका स्कोर रहता है, जितने भी करंट अफेयर की क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं कॉमेंट करके जरूर बताया करो ताकि ये सीरीज जो है हम डेली कर सकें। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक है वो निम्न में से किससे संबंधित है। राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की जो सुविधा है उसी सुविधा जो शुरू की गई है वो राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक के माध्यम से की गई है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। दूसरा है कि राजस्थान सरकार ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की थी। ये कौन सा अभियान था जो महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो उस अभियान का नाम था आवाज, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका तीन है कि स्टेलेप्स ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पूरी तरह से स्वचालित प्रत्यक्ष भुगतान शुरू करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया था। उस प्लेटफॉर्म का नाम बता दीजिए जो राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए स्वचालित प्रत्यक्ष भुगतान शुरू करने के उद्देश्य से, और उसका नाम था मूपे, यानी एक नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चार कि किस राज्य ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने सहित अन्य उद्देश्यों को लेकर एक विशेष अभियान की शुरुआत की थी और उस अभियान का नाम था आवाज। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गई है। तो आवाज अभियान महिलाओं की जागरूकता के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, यानी एक आपका सही है। चलिए पांच है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद किस राज्य ने शुरू की थी। अब मन संवाद जो है ये एक सरकारी हेल्पलाइन है जो कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करती है और ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर छह, एक पुस्तक है जिसका नाम है विथ इन लाइन हार्मनी, ये पुस्तक के लेखक कौन है? विथ इन लाइन हार्मनी इस पुस्तक की रचना की थी गुलाब कोठारी जी ने, यानी राइट आंसर आपका एक नंबर इसका सही है। और क्वेश्चन नंबर सात, राजस्थान की किस नदी को केंद्र सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में शामिल किया है? नमामि गंगे प्रोजेक्ट में राजस्थान की कौन सी नदी शामिल हुई है? चंबल नदी, राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी में आती है, एक आपका सही आंसर। और आठ नंबर कि यूजीसी के टॉप 100 यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन डिग्री कोर्स चलाने की मंजूरी दी गई है और इन्हीं 100 यूनिवर्सिटी में राजस्थान की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हुई हैं? तो दो हुई हैं, वनस्थली यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश पिलानी यूनिवर्सिटी, यानी ए और बी दोनों ही सही हैं, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नौ है कि आक्रामक लेटाना झाड़ियों को उखाड़ने के लिए एक मिशन चलाया गया था, उसका नाम था मिशन लेटाना। ये मिशन किस अभ्यारण्य में चलाया गया था? नौ का राइट आंसर। तो ये मिशन लेटाना चलाया गया था सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में, यानी एक नंबर आपका राइट आंसर। दस नंबर, हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 जो है ये दिया गया है पंडित सतीश व्यासी को, यानी बी आपका राइट आंसर। क्या है कि कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सीईओ बने हैं? तो ये बने हैं सुनीत शर्मा जी, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। 12 नंबर कि हाल ही में कौन भारत के सबसे युवा मेयर बनी है? भारत की सबसे युवा मेयर बनी है आर्या राजेंद्र दन, यानी राइट आंसर आपका बी इसका सही आंसर है। 13 नंबर, हाल ही में किसे डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है? साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये मिला हेमंत पांडे जी को, हेमंत पांडे, यानी सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की किस शिक्षिका को सीबीएसई अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? सीबीएसई अवार्ड 2019 ये दिया गया है अनिता मिश्रा जी को, यानी राइट आंसर आपका एक नंबर सही है। और 15 नंबर, राजस्थान के किस सीमेंट प्लांट को ऊर्जा संरक्षण प्रबंधन के लिए 21वां नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी यूनिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
नुवको सीमेंट जो है, ये नुवको सीमेंट राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है, यानी राइट आंसर आपका एक नंबर। 16 नंबर कि आसाराम बापू पर लिखी गई किताब गनिंग फॉर द गॉडमैन के लेखक कौन है। एक तो ये कि गनिंग फॉर द गॉडमैन पुस्तक का संबंध किससे है, आसाराम बापू से, और इसकी रचना की है अजय पाल लांबा जी ने, यानी राइट आंसर आपका एक नंबर। 17 की जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र और राजस्थान के बीच निधि हिस्सेदारी कितनी है। जल जीवन मिशन जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों की ही 50-50% हिस्सेदारी है, यानी 50-50 डी हो जाएगा राइट आंसर। 18 के हाल में किसे भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड मिला है, और ये आईसीसी का अवार्ड किस क्रिकेटर को दिया गया है, एमएस धोनी को, यानी डी आपका राइट आंसर। 19 नंबर हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा, और ये कौन से राज्य में, ओडिशा में, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कि प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूरे भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है। इस सुशासन दिवस 25 दिसंबर को किसकी याद में या किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, यानी बी आपका राइट आंसर। 21 है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अमेरिका की न्यू जर्सी राज्य में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया था, धर्मेंद्र जी को, तो बी आपका राइट आंसर। 22 है कि हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल मनाते हैं 24 दिसंबर को, यानी राइट आंसर आपका एक नंबर सही है। और क्वेश्चन नंबर 23 कि प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को किस व्यक्ति के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के हाल में किस देश में पीएम मोदी ने लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और यह किया गया था अमेरिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की हाल ही में किसे वर्ष 2020 का बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, और ये दिया गया था लुइस हैमिल्टन को, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो 25 में से जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट करके बता देना। और दिल्ली, ये तो हमारी शुरुआत है, धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या भी हम बढ़ाएंगे, टाइम भी थोड़ा ज्यादा करेंगे, तो ये स्टार्टिंग है। एक बार पीडीएफ लेना चाहें तो आप टेलीग्राम से ले लेना, बाकी की कोई शिकायत हो, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, तो कमेंट में आप बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।